चेहरे खिल उठे और उन्होंने जिला प्रशासन कलेक्टर का आभार व्यक्त किया। कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि समय समय पर हमारी टीम घरों पर जाकर प्रशिक्षण देती है। अगर उसके बाद लगता है कि पात्रता बनती है तो जरूरतमंदों के हिसाब से मांगी गई चीज उन्हें वितरित की जाती है। जहां आज 4 अनाथ बच्चों को स्कूटी वितरित की है। देखिए, अनाथ बच्चियों को, लड़कियों को आज 4 स्कूटी जो है वितरण करी गई है, जो हमारे पास में अलग अलग समय पर इस प्रकार से मांग आती है। उसके लिए हम लोगों ने एक विधिवत परीक्षण का एक सिस्टम बना रखा है। उसमें जाके, उनके घर पे जाके हमारी टीम चेकिंग भी करती है और देखती भी है कि क्या उनके द्वारा कहाँ पर शिक्षा प्राप्त करी जा रही है, या अगर कोई जॉब करी जा रही है तो कहाँ पर करी जा रही है। उसके बाद अगर हमें लगता है कि पात्रता बनती है तो उस आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं, और उसी अनुक्रम में आज 4 अनाथ बच्चियों को स्कूटी। रेखा सोनी, रेखा सोनी कहाँ से? इंदौर से ही हूँ मैं। कब अप्लाई किया था आपने गाड़ी के लिए? गाड़ी के लिए हमने अप्लाई किया था 15 दिन हो गया, 10-15 दिन तो हो गया। 9 जनवरी को। हाँ, 9 जनवरी। क्या करते हैं आप लोग? मैं अभी MBA कर रही हूँ और साथ में पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको गाड़ी मिली? अच्छा ही लग रहा है, मतलब हम लोगों की ज़रूरत पूरी हो गई है। वो ज़्यादा अच्छा है कि एक्टिवा मिल गई है हम लोगों को, कॉलेज वगैरह जाने में या फिर जॉब वगैरह भी रहती है तो दूर दूर रहता है वो सब। और कॉलेज भी मेरा ऐसा है कि मेरा रहना ऐसा, हॉस्टल ऐसा है कि कोठारी मार्केट पे है, और फिर कॉलेज जाना होता है अरविंदो से सावे रोड तरफ जाना होता है। तो वो अच्छा हुआ कि गाड़ी मिल गई, तो मुझे आने जाने में ज़्यादा वो होगा और टाइम भी बच जाएगा, तो मैं जॉब भी कर सकती हूँ। कुछ कहना चाहेंगे आप कलेक्टर साहब को गाड़ी मिल गई है? कलेक्टर साहब को मैं थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने हमको गाड़ी दी और हमको समझा कि किस कंडीशन से हम लोग निकले हैं और आज हमारी हेल्प की। आपका नाम? रेखा सोनी। आपके टीम क्या नाम है उनकी गाड़ी में? हाँ, एक का नाम शोभा पाल है, वो भी अभी MBA कर रही है, मेरे साथ में है और साथ में जॉब करती है। और सिमरन भी है, वो भी मेरे साथ में है, तो वो भी जॉब करती है, पढ़ाई करती है। और एक चांदनी मीणा है, वो भी जॉब करती है, पढ़ाई करती है।